एक्टर तेजा सज्जा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान का कमाल बॉक्स ऑफिस पर कायम है। हनुमान पिछले वीक यानी शुक्रवार को 12 जनवरी को रिलीज हुई थी, जिसके चार दिन बाद फिल्म सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुमान ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बता दें, तेजा सच्चा की फिल्म हनुमान महेश बाबू की तेलुगु फिल्म गुंटूर करम, धनुष की तमिल फिल्म कैप्टन मिलर और कैटरीना कैफ विजय सेतुपति की तमिल हिंदी फिल्म मेरी क्रिसमस के साथ ही 12 जनवरी को रिलीज हुई थी। इन फिल्मों के साथ कलेश के बावजूद हनुमान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। Technic.com की एक रिपोर्ट के अनुसार हनुमान ने सोमवार को भारत में लगभग 14.5 करोड़ की कमाई की। Technic.com पोर्टल के अनुसार तेजा सच्चा स्टारर हनुमान का भारत में अब तक का टोटल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को भारत में सभी भाषाओं में कुल 8 करोड़ की कमाई की थी। वहीं शनिवार को यानी दूसरे दिन 12 करोड़ की कमाई, तीसरे दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया था, चौथे दिन 14.5 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 55 करोड़ हो गया है। फैंस इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे ब्लॉकबस्टर मूवी बता रहे हैं। फिल्म हनुमान को प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में तेजा सच्चा भूमिका में है और साथ ही वरलक्ष्मी, शरत कुमार, अमृता अय्यर और विनय राय भी अहम रोल निभाती नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी यूनिक है। कहानी एक ऐसे सामान्य व्यक्ति की है जिसे अप्रत्याशित रूप से सुपर पावर मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने अंदर एक नई ताकत की खोज करता है। जैसे जैसे वो अपनी शक्तियों को आजमाता है, वो अपना खतरनाक रूप धारण कर लेता है और अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई शुरू करते हुए अपने सामान्य जीवन को उलट पुलट कर देता है। ये इंडियन वर्जन की सुपर हीरो फिल्म है। आज के लिए इतने ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए विनेशन न्यूज़।